हम सब जानते हैं बाला साहब ठाकरे का इस देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। कांग्रेस ने सत्ता के लालच में उनकी पार्टी के एक धड़े को साथ में तो ले लिया, तस्वीरें भी निकाल दी, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता बाला साहब ठाकरे की नीतियों की कभी भी प्रशंसा नहीं कर सकती। और इसलिए मैंने अघाड़ी में कांग्रेस के साथी दलों को चुनौती दी थी कि वो कांग्रेस से बाला साहब ठाकरे की नीतियों की तारीफ में कुछ शब्द जरा बुलवा करके दिखाएं। आज तक वो ये नहीं कर पाए हैं। मैंने दूसरी चुनौती वीर सावरकर जी को लेकर के दी थी। कांग्रेस के नेतृत्व ने लगातार पूरे देश में वीर सावरकर का अपमान किया है, उन्हें गालियां दी है। महाराष्ट्र में वोट पाने के लिए इन लोगों ने टेम्पररी वीर सावरकर जी को जरा टेम्पररी गाली देना उन्होंने बंद किया है, लेकिन वीर सावरकर के तप त्याग के लिए उनके मुंह से एक बार भी सत्य नहीं निकला। और यही इनका दो मुहापन है। ये दिखाता है कि उनकी बातों में कोई दम नहीं है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ वीर सावरकर को बदनाम करना है। साथियों, भारत की राजनीति में अब कांग्रेस पार्टी परजीवी बनकर रह गई है। कांग्रेस पार्टी के लिए अब अपने दम पर सरकार बनाना लगातार मुश्किल हो रहा है। हाल ही के चुनावों में जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा और आज महाराष्ट्र में उनका सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस की घिसी पीटी विभाजनकारी राजनीति फेल हो रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का अहंकार देखिए, उसका अहंकार सातवें आसमान पर है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस अब एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने साथियों की नाव को भी डुबो देती है। आज महाराष्ट्र में भी हमने यही देखा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और उसके गठबंधन ने महाराष्ट्र की हर पांच में से चार सीट हार गई। अघाड़ी के हर घटक का स्ट्राइक रेट 20% से भी नीचे है। ये दिखाता है कि कांग्रेस खुद भी डूबती है और दूसरों को भी डुबोती है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी, उतनी ही बड़ी हार
इनके सहयोग वालों को भी मिली, वो तो अच्छा है कि यूपी जैसे राज्यों में कांग्रेस के सहयोगियों ने उससे जान छुड़ा ली, वरना वहां भी कांग्रेस के सहयोगों को लेने के देने पड़ जाते। साथियों, सत्ता भूख में कांग्रेस के परिवार ने संविधान की पंथ निरपेक्षता की भावना को चूर चूर कर दिया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने उस समय 47 में विभाजन की विभीषिका के बीच भी हिंदू संस्कार और परंपरा को जीते हुए पंथ निरपेक्षता की राह को चुना था। तब देश के महापुरुषों ने संविधान सभा में जो डिबेट की थी उसमें भी इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी, लेकिन कांग्रेस के इस परिवार ने झूठे सेक्युलरिज्म के नाम पर उस महान परंपरा को तबाह करके दब दिया है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण का जो बीज बोया वो संविधान निर्माताओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है, और ये विश्वासघात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। संविधान के साथ इस परिवार का विश्वासघात है। दशकों तक कांग्रेस ने देश में यही खेल खेला। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है।